लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्मियों की। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, कहीं पे टेम्परेचर 30 है, कहीं पे 40 है। अभी गए हफ्ते मैं गोवा में था तो टेम्परेचर मेरा वहां पे जो टेम्परेचर था वो 38, लेकिन 38 ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 38, ऐसा लग रहा था 42 है। इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और अभी तो मार्च महीना शुरू हुआ है, अभी तो अप्रैल मई जून बाकी है, तो कितना गर्मी पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको बता रहा हूँ, आपके हेल्थ के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्दियाँ अब जा चुकी हैं, धीरे धीरे अब हम गर्मियों के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। गर्मियों के मौसम में हमें कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिनमें सबसे आम है पेट संबंधी समस्याएं। इन दिनों आंत में अच्छे बैक्टीरिया या गट माइक्रोबायोम संतुलन से बाहर हो जाते हैं, इससे हमारा पाचन स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। यही कारण है कि गर्मियों में हम देखते हैं कि दस्त बार बार, यूटीआई, सर दर्द, फोड़े फुंसी, मुहासे, बदबूदार पसीना आदि जैसी समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ गर्मियों में कुछ ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करके आप आंत में अच्छे बैक्टीरिया के स्तर को सामान्य रख सकते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत पा सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि आंत में गट माइक्रोबायोम को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्री और प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा नहीं है। गर्मी की तपस गट हेल्थ को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और इसे विक्षिप्त करती है। हालांकि अगर सही प्रकार के हाइड्रेशन के साथ गट माइक्रोबायोम को संतुलित करने से गर्मियों में गर्मी के कारण होने वाले बात पित्त असंतुलन को रोका जा सकता है। आंत में अच्छे बैक्टीरिया बनाए रखने के लिए मैं 6 ड्रिंक्स का सुझाव देता हूं, जो आपके आंत स्वास्थ्य को बनाए रखने और पेट संबंधी समस्याओं को बचाव में मदद करेंगे। आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने वाले ड्रिंक्स हैं, तो सबसे पहले ड्रिंक्स है बटर मिल्क यानी छाछ। गर्मियों की हीट को मात देने के लिए छाछ से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह बॉडी हीट को कंट्रोल करने में भी मदद करती है, साथ ही उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है नारियल पानी यानी टेंडर कोकोनट बटर। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ड्रिंक है जो पेशाब में जलन का सामना करते हैं और पित्त प्रकृति के होते हैं। ये शरीर में ठंडक पहुंचाने के साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में भी मदद करता है। तीसरा है गन्ना खाएं और इसका रस पिएं। दुबले पतले और पित्त प्रकृति वाले पुरुषों के लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक है। यह शरीर को इंस्टेंस एनर्जी प्रदान करता है। और चौथा है केले के तने का रस यानी बनाना स्टेम जूस। डायबिटीज रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को शरीर में सूजन है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। पांचवा है दूध में गुलकंद डाल के पिएं। जिन लोगों को ठीक से नींद ना आने की समस्या परेशान करती है उनके लिए यह बेहतरीन ड्रिंक है। यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने में भी लाभकारी है। और छठा और आखिरी है नींबू का रस। नींबू के रस में चिया बीज मिलाकर सेवन करें, लेकिन अदरक ना डालें। यह उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। एक गर्म दिन के बाद काफ़ी सूखा और थका हुआ महसूस करते हैं। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को भी बढ़ावा देता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। गर्मियों में आप ये 6 ड्रिंक्स पी सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड के साथ हमारा वीडियो शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। धन्यवाद।